लाहौर 1947 मूवी हमारे सामने बहुत जल्द आएगी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स बीच में क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखो लाहौर 1947 में हमें सनी देओल, आमिर खान आने वाले हैं इस मूवी में, और इसकी जो स्टोरी है गदर एक प्रेम कथा से रिवील किया गया है। गदर एक प्रेम कथा जो सनी देओल की मूवी थी, बताया जा रहा उससे रिलेटेड इसकी सीने होंगी। अगर उससे रिलेटेड कर पाए थोड़ा बहुत तो ये एक चीज तो क्लियर है, एक बहुत ही अच्छे अमाउंट को अचीव करने में मूवी कामयाब हो जाएगी। दूसरी बात है, अगर नहीं होती है तभी भी ये मूवी अच्छे अमाउंट को जरूर अचीव कर पाएगी, क्योंकि सनी देओल की जितनी भी देशभक्ति आज तक मूवी आई है कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है। अगर उसमें आमिर खान का तड़का लग रहा है तो थोड़ी और चार चार लगते हुए नजर आ जाएंगे, अलग चीज है। लेकिन मूवी का जैसे कि हमारे सामने से एक छोटा सा ट्रेलर आया था, जो कुछ पोस्टर्स है उसको देख करके और उसको समझ दे सुन के हम उसी से, यानी कि इसका रिव्यूज कर रहे हैं उसी से हम इसको समझ पा रहे हैं। मूवी से जुड़ी कई सारी खबरें और कौन सारे अपडेट्स हैं, लेकिन समझना इस चीज को आवश्यक हो जाता है। मूवियां जब हमारे सामने बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए उतरती हैं तो बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए उनको अब काफी ज्यादा लाजमी हो जाता है और करना भी अजब हो जाता है। लेकिन 600 करोड़ की इस मूवी में एक अलग चीज होगा, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वार को दर्शाया जाएगा, और मूवी की शूटिंग अभी स्टार्ट नहीं है गाइस। आपके दिल में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि शूटिंग स्टार्ट है, नहीं, सिर्फ आपको इसका पोस्टर थोड़ा टीजर दे दिया गया है, जिसकी वजह से शायद महीने से दो महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही रामायण मूवी की शूटिंग कंप्लीट होती है। तो क्योंकि सनी देओल जो अभी करने में लगे अपनी रामायण मूवी को, यानी इंटरेस्ट कर रहे रामायण मूवी को बनाने में लगे हुए, जिसमें कि बजरंग बली के किरदार से को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, काफी अच्छा रोल है, काफी अच्छे लुक में लाहौर 1947 मूवी हमारे और तुम्हारे सामने बहुत जल्द इंटरेस्ट होते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप लोग क्या कहते हैं लाहौर 1947 मूवी से, बताइए कमेंट सेक्शन। मिलते अगले वीडियो में।